नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुज ट्रायंगल वाले सवालों को सॉल्व करूंगा, ज्योमेट्री संबंधित है। इसमें त्रिभुज के लगभग सारे सवाल मैं ले लिया हूं, जो ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। इसके पहले 2018 वाले सारे सवाल लिया हूं। जैसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इसका पहले का मतलब क्या है, पहले जैसे ये त्रिभुज है मान लो, ठीक है ये एक त्रिभुज है, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात, मतलब कि जैसे इस पर लंब बना, इस पर लंब बना या फिर इस पर लंब बना, तो इन सभी का अनुपात क्या होगा ये पूछना चाहता है ये। ठीक है, तब हमको अब क्या करना है, इसका एक बात हमेशा समझ लो, जब भी कभी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है पता है, देखो यहाँ से देखो इसका अनुपात क्या होता है, इनके अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जैसे ये है 1/8 हो जाएगा अनुपाते 1/13 अनुपाते 1/15, ये अनुपात में इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन वाला अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखना ऊपर वाले से गुणा करते हैं। जैसे ऊपर वाला जो होता है, जैसे इसको करना है 1/8 को करना है, तो 1 × 13 × 15 एक मैंने ऐसे कर दिया आपको बताने के लिए, मान लो वहाँ पे कुछ और हो तो एक एक की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको हम सिर्फ 13 × 15 लिखेंगे अनुपाते। अब इसको करना है तो नीचे वाला भूल जाओ, 8 × 15 अब इसको करना है तो नीचे वाला इसका भूल जाओ, 13 × 8 अनुपाते 13 × 8। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, 13 × 5 = 65 का 5 हो जाएगा, 13 × 1 = 13 और 13 × 6 = 19 होता है 195 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या 15 × 8 = 120 होता है, 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × 8 = 104 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, वो देखो ऊपर वाले पे लिखा भी है यही चीज़, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। अब अगला देखो, ध्यान से समझते चलना सारी बातें। किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएँ 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा भैया देखो, ये बना है त्रिभुज, नहीं त्रिभुज ये वाला नहीं है, ये इसमें त्रिभुज कौन सा होगा मालूम आपको, ये वाला त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ये लंब है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है दोस्तों। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये जो इस कह रहा है कि एक लंब एक है 1.5 सेंटीमीटर, मान लो ये है 1.5 और ये है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, इसके परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब क्या होता है आपको पता है, परिवृत्त का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी वृत्ति जो उसके बाहरी बाहरी भुजाओं पर लगी हो। अब समझे कि नहीं बात, जैसे ये वृत्त बन गई, इस वृत्त का क्या पूछ रहा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी देखो ध्यान समझो, किसी भी वृत्त का जब क्षेत्रफल पूछता है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर, आर को बड़े में लिखता हूँ आपको समझ में आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या होता है भैया, ये जो बीच में ये जो बीचों बीच जो केंद्र होता है, सेंटर होता है किसी भी वृत्त का, उससे इसकी जो दूरी होती है ये दूरी को कहते हैं त्रिज्या। और याद रखना जब किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त बनी हो, ये जो सर्कल बना है इसका जो कर्ण होता है ना त्रिभुज का, ये कर्ण का आधा ही इसकी त्रिज्या होती है, ये जीवा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जीवा होती है और इसके आधा कर लो त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, कर्ण कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता है ना, ये फार्मूला तो आपको पाइथागोरस वाला फार्मूला पता है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, ये वाला फार्मूला आपको पता है कि नहीं, जान लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बहुत गलती कर रहे हो, पढ़े नहीं हो कुछ भी। अब देखो बहुत लोग को पता होगा, मुझे पता है, तब अब क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1.5 का स्क्वायर 15 में 225, जब इसको 225 करो 2.25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कर्ण स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ 4 × 2 = 6, ये क्या बन जाएगा 6.25। अब यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर बोले तो ये जो भी है ये कर्ण स्क्वायर है, तो अब दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है,
अब इसको रूट निकालोगे तो ये 25% में 625 आ जाएगा, ढाई 2.5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2.5 है, लेकिन त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या तो इसकी भी आधी होगी ना, त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो अगर पूछे आर बराबर ज्ञात होगा क्या 2.5/2। अब देखो, अब फार्मूला क्या मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई, तो पाई ये दिया है, तो पाई हमको सॉल्व नहीं करना, लिखना है पाई गुड़े आर स्क्वायर, मतलब 2.5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2.5/2 को हम चाहें तो 5/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2.5 हमका टेंशन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं तो यही रहेंगे तो भी चलेगा, वही लिखने ज़्यादा सही रहेगा। क्या हो जाएगा, पाई बराबर पाई गुड़े, ये हो जाएगा 5/4, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, लिख दो 25/16। तो 25/16 जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, दोनों के स्क्वायर कर दिया ना मैंने, तो क्या हो जाएगा 16 × 16 1 आ जाएगा पहले, उसके बाद बचेगा कितना यहाँ पे भैया 4, 5, 9 बचेगा, तो 16×5 80 है ना, हाँ 16×5 80 क्योंकि 90 है ना, उसके बाद कितना बचेगा 10, 16×96 1.56 कहीं पे है, ये वाला है, तो इसी पर आपका सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1.5 यहाँ तक है, अभी ये बढ़ता जाएगा ना, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुल मिला के ये आपका उत्तर हो जाएगा 1.5625 पाई। ठीक है, ये पाई, क्योंकि पाई को हमने सॉल्व नहीं किया, पाई का अगर पूछ ले कभी तो पाई बराबर 22/7 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो, ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज है, फिर से वही खेल है, एक समकोणी त्रिभुज, चलो बना दिया मैंने समकोणी त्रिभुज, ये बन गया, क्या बोलते हो, बन गया। उसके बाद कह रहा है कि ए 90 डिग्री, चलो ये तो 90 डिग्री ये ए है, ठीक है, उसके बाद ए बी 6 सेंटीमीटर है, ये बी है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ये भी मान लिया मैंने। AC बोलो तो ये कितना 8 सेंटीमीटर, चलो ये भी मान लिया। कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर बना है, अब भैया इसमें क्या होगा पता है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, इसको बोलते हैं अंतः वृत्त, मान लो ये त्रिभुज के अंदर है ना, और थोड़ा सा बड़ा ही होगा, आप समझदार हो, समझ चुके हो कि ये अंदर एक वृत्त बना दिया मैंने, है ना, एक वृत्त बना दिया। अब कह रहा है उसका परिमाप ज्ञात करो, अभी तक हम लोग इसमें क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन दोस्तों त्रिभुज का परिमाप अगर पूछ लिया आपसे कभी भी, तो त्रिभुज का अभी तक हमने त्रिभुज का परिमाप पूछा, तो परिमाप का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, पाई 2πr, क्या होता है 2πr, ये है इसका परिमाप का। अब इसमें भी r आपको निकालना पड़ेगा, r क्या होगा इसका, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको r कहते हैं, अब इसमें कैसे निकालोगे भाई, तो याद रखना जब कोई इस तरह से अंतः वृत्त अंदर वृत्त बना हो, तो उसका जो r होता है, त्रिज्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका भी जान लो फार्मूला, आर बराबर जैसे इस तरह का कंडीशन मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब भैया क्या है, मामला फंस गया, देखो अर्ध परिमाप का मतलब पूरे परिमाप का आधा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पता है आपको, अरे 6×48/2 है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होता है तो इन दोनों भुजाओं का गुणा करके आधा कर दो, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो चतुर्भुज होता, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो चतुर्भुज होता, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, अब इसमें लंबाई इसी का आधा होता है, ये समकोण त्रिभुज है ना, कुल मिला के उसको कहते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटे दो, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 × 8/6, तो 6×48/2 मतलब 24, क्षेत्रफल हमको पता है 24 है, चलो क्षेत्रफल 24 है। अच्छा, परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप ज्ञात करने के लिए, परिमाप का मतलब होता है सभी जो रेखाएं किनारे किनारे उस सबका योग, तो भाई 8×6 14 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो भाई लंब क्या है 8 है, 8×64, ये क्या है 6×6 36, देखो 64 + 36 = 100 हो जाएगा, इसका रूट तो क्या हो जाएगा ये 10, मतलब कि ये 10 है ना, अब तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ थोड़ा सा ना, ये 10 है, ये क्या है 10 है ना, क्योंकि 8×64 6×36 दोनों जोड़ोगे 100, 100 का अंडर रूट करोगे 10 आ जाएगा। तो अब अर्ध परिमाप पूछ रहा है, मतलब इन तीनों को जोड़ लो, अर्ध परिमाप क्या होगा इसका,
परिमाप क्या होगा, 10, 6, 16, 16, 8, 24। तो परिमाप तो 24 आया, इसका परिमाप भी 24। दिलचस्प बात देखो, इसका दोस्तों परिमाप भी 24 आ रहा है, क्षेत्रफल भी 24 आ रहा है, लेकिन अर्ध परिमाप इसमें यहाँ पे होता है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल तो है 24 और अर्ध परिमाप हो जाएगा 12, क्योंकि परिमाप का आधा, तो 12 × 2 = 24, 2 आ गया। इसका त्रिज्या क्या आ गई, 2 आ गई। जब त्रिज्या आ चुका है 2, तो बस 2πr, मतलब अब देखो 2π और r मतलब 2, 2 × 4, तो 4π। देखो ये 4π आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों बातें, अंतः वृत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया और वाय वृत्त जो बाहरी वृत्त होता है उसके बारे में मैंने दो चीज़ आपको बताया। अब अगला देखते हैं इसको, यदि 8π और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं तो पी का मान ज्ञात करो। इसका मतलब समझो, पाइथागोरस की जब बात आती है तो यही तो होता है ना कि अभी मैंने आपको बताया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो बताया मैंने अभी। अब देखो यही तो चीज़ कह रहा है ये, मान लो ये कर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा 17 है, 17 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर कर दो यहाँ पे और प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि पी तो हमको ज्ञात करना है, बस यही चीज़ है, पी जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 189 है ना, नहीं 289, देखो 256, हाँ 289, 289 बराबर 8 × 64 प्लस, नहीं यार हाँ ठीक है 64 प्लस पी स्क्वायर कर दो। तो इसको इधर ले जाओगे, जब आप अगर 64 को माइनस, भाई ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो 9 में से 4 5, 8 में से 6 2 और 2 होएगा 225 बराबर पी स्क्वायर। अच्छा 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। अब ये क्या हो जाएगा, पी बराबर रूट में 225 बराबर 15, क्योंकि 15 का 225, बस आ गया ना 15 अपना। इसका मतलब ये होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जब ऐसे सवाल आए तो उसका मतलब ये बहुत सिंपल सा है, बस समझने की जरूरत है आपको। अगला देख लेते हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। अच्छा इसका मतलब समझ लो, थोड़ा समझा देता हूँ मैं, कोई भी त्रिभुज है, ये नहीं बोलो कैसा, दो त्रिभुज बनाया गया दोस्तों, एक तो ये ठीक है मान लीजिए कि ये बन गया और दूसरा यहाँ बना देता हूँ, ये छोटा सा है, कह रहा है छोटा है। देखो दो त्रिभुज बने हैं, अब क्या कह रहा है, समान है, यदि AB = 5, हमको ये तो मालूम नहीं, मान लो ये है ए और ये है बी, ठीक है ये है सी, ठीक है और क्या PQR, मान लो ये है पी, ये हो क्यू और ये आर, है ना, इतना समझ लो सब लोग, सिंपल सी बात है। AB = 5, ये है 5 और PQ ये वाला है 3, लेकिन ये समान है। एक होता है ना समान त्रिभुज, मतलब समान त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि उसके सभी कोण आपस, सभी कोण का मतलब ये नहीं कि सभी कोण बराबर हो, जैसे बी वाला कोण क्यू से बराबर होगा, उसके जो संबंधित हो सी वाला आर से बराबर होगा, तो ये सभी कोणों के अनुपात जो है समान हो, इसको बोलते हैं समानुपाती हो, है ना, तो इसको बोलते हैं समान त्रिभुज। तो कह रहा है कि एरिया, ये AR लिखा है, मतलब त्रिभुज ABC का एरिया बटे PQR का एरिया का मान बताएं। सिर्फ सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि सिर्फ 5 और 3 एक एक भुजा की लंबाई दे दिया है और पूछ रहा है एरिया का अनुपात बताओ, लेकिन बड़ा सिंपल है दोस्तों, पूछो कैसे। जब भी, याद रखना मेरी बात ध्यान से समझ लो, जब भी दो समान त्रिभुज का के बारे में त्रिभुजों का अनुपात पूछे, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो याद रखना जो उसके भुजाओं के अनुपात हो गए, भुजाओं का अनुपात क्या 5:3, अगर भुजाओं के अनुपात पूछता तो 5:3, मतलब 5/3 कर देते आप, यही तो पूछता, तो 5/3 कर देते, लेकिन जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजाओं का जो अनुपात है उसका वर्ग कर दो, मतलब इन दोनों का वर्ग, मतलब 5 का वर्ग / 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, यही तो पूछा है। हाँ तो 25/9 कहाँ पे, ये है देखो डी नंबर पे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अब अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB और AC पर D, ये भी समझना पड़ेगा, और ये क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिसमें, अच्छा मतलब एक त्रिभुज पहले बनाता हूँ मैं आपको, देखो ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है ये समझ रहे हो आप लोग, एक त्रिभुज मैंने बनाया, फिर क्या कह रहा है कि ABC में AB, मान लो ये है A, ये है B और ये है C, है ना, AB और AC पर D और E, मान लो यहाँ पे D होगा यहाँ पे E होगा, ऐसे बिंदु जिसमें कि DE और BC के समानांतर हैं, DE और BC के, ये है BC,
यह है BC, अभी बताता हूँ मैं आपको। एक रेखा लाओ पहले बताऊँ, सीधी रेखा कौन सा, ये वाला है। इसमें देखो दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है। अब क्या कह रहा है कि AB पर D और ये C, ये जो DC है ये BC के, ये लिखा तो है ना DE, क्योंकि ये E है, सॉरी यहाँ पे E लिखना पड़ेगा हमको। ये जो DE है BC के समांतर है, मतलब कि समांतर का मतलब क्या होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा, ये तो दे दिया है हमको। अब पूछ क्या रहा है, यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये AD है, ये 2 है, उसके बाद कह रहा है BD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये BD है, ये 3 होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वो वही चीज़ इसमें पूछ लिया कि एरिया ADE, AD मतलब ये वाला छोटा वाला ऊपर रहेगा और ABC बड़ा वाला नीचे रहेगा। अभी मैंने क्या बताया, अगर आपको भुजाओं के, ये तो भाई इसको अलग करोगे तो ये छोटा त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बगल में, वही चीज़ इसके पहले सवाल मैंने आपको बताया था। तो छोटे वाले त्रिभुज का जो लंबाई दिया है 2 दिया है, बटे बड़े वाले की लंबाई क्या होगी, 3, 2, 5, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना आपको, 3, 2, 5 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दो बस। वही तो पूछ रहा ना एरिया, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो भुजाओं के अनुपात हैं उसका वर्ग कर दो तो एरिया का अनुपात आ जाता है। तो मतलब कि 2 × 4 और 5×25, ये क्या आ गया, एरिया का अनुपात आ गया। कहाँ पे 4/25, ये है आपका आंसर होगा सिंपली, है कि नहीं। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, वही कर्ण स्क्वायर। अगर कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाए, ये चीज़ अगर हम सॉल्व करें और बराबर हो जाए तो समझ लेना समकोण त्रिभुज है। तो पहले वाला अगर ट्राई करेंगे, सबसे बड़ा इसमें 85 है, तो 85 का स्क्वायर बराबर 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 का मान लो 169 होता है, लेकिन 85 का स्क्वायर कैसे करोगे, 15 में 225, तो 25 लिख दो, दो कैरी करो, उसके बाद 15 × 2 = 30, 100 में से 30 घटाओगे 70, 70 में जोड़ दो 72, ये हो गया 72×25, ठीक है, बराबर। 84 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 84 का 16 में कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 है ना, 256 के यहाँ पे लिख दो 56, दो कैरी और 16 × 2 = 32, 100 में 32 घटाओ कितना हो जाएगा 68 में 2 जोड़ना है 70, ये 1756 हो गया। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, देखो क्या 7225 आता है, तो 6, 9, 6, 15 आ तो रहा है लगता है यार, 6, 5, 11, 1, 12, ओह इतना आ गया। अब उसके बाद 0, 1, 0, 1, 2, हाँ यार 7 का 7 आ तो गया 7225, 72, यदि पहले ही उत्तर हो गया आपका, मतलब पहला ही आपका हो गया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसे, कुछ लोग पूछते हैं कि आप ऑप्शन चेंज कर दो, नहीं 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 मैं ऑप्शन कोई चेंज नहीं करता, जो दिया है वही से मैं छाप देता हूँ, जो बुक में जो प्रीवियस ईयर के बुक्स रखा हूँ मैं, उसमें से जैसे लिखा रहता है ना ऑप्शन वैसे निकाल लेता हूँ मैं, आपको बताऊँ रियलिटी एकदम। इसको देख लेते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। ABC एक समकोण है, सच ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा है ये। एक मैंने समकोण त्रिभुज लिया, बोलो हाँ, उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि एक ऐसी रेखा खींचना है जिसका कोण A समकोण है, मान लो ये समकोण है, अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को, इसी त्रिभुज में दो अन्य समकोण बनाना है, तो क्या करेंगे पता है, ये देखो भैया यहाँ पे हम अगर सीधी एक रेखा खींच देते हैं, क्या बोलते हो, तो क्या बन गया ये, एक ए समकोण, एक ये समकोण, ये पहले से पूरा समकोण था, क्या बोलते हो, तो ये है ए, तो ये बी मान लो और ये सी मान लो, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है, तो कौन सी भुजा, यही तो बी सी पे तो बनी है ना, ये देखो बी और सी पे देखो ये बना है कि नहीं, ये जो लाइन हमने खींची बी सी पे है, तो बी सी लगा दो ना, बात खत्म, समझे कि नहीं, बात हो गया अपना काम। अगला देखते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करो। अच्छा इसको समझ रहे हो कि नहीं आप, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, मान लो एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये तो मान लो 90 होगा, समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 अंश का होता है, बाकी दो न्यून कोण, ये न्यून कोण होते हैं इसके, कह रहा है एक तो 55 है, इसको मान लो 55 हो गया,
अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? होता है 180 डिग्री। जानते हो कि नहीं ये बात? त्रिभुज और चतुर्भुज बोलते 360 होता है। अभी चतुर्भुज की बारी आएगी, खैर, लेकिन पता होना चाहिए चतुर्भुज का 360 डिग्री, त्रिभुज का 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री टोटल होता है, ये 55 है, ये 55 दे दिया है भाई, 9, 5, 14 145 हो गया, दोनों को जोड़ 145, तो 180 में घटाना पड़ेगा आपको 145। जब घटाओगे तो क्या बचेगा? तो 35 है ना, 4, 3, 7, हाँ 35 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा 35। बहुत सिंपल सा, समझे कि नहीं बात? टोटल 180 होता है, जो समकोण है 90 होता ही है, तो एक न्यून 55 है तो दूसरा 35 हो, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये तो सब समझदार हो। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करो। ये सेम पहले वाले की तरह है, और इसको होमवर्क देता हूँ, और यहीं पे आप सब क्लास भी 10वां क्वेश्चन है ये, समाप्त भी करता हूँ। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, कृपा करके सब लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? नहीं तो आपको देर हो जाएगी बाद में, तो क्या मतलब? अभी जो करोगे ना वो ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वो लोग होते हैं जो शुरू शुरू में सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं। तो आप सभी जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हो अभी तक, वीडियो को देख रहे हो और सारे पढ़ रहे हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे समझा, इसलिए स्पेशल हो। कहते हो ना, मैं सब बहुत देखते, बहुत सारे तारीफें करते सब लोग, तो तारीफें तो मैं अपने आप को उतना अच्छा मानता नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि खूबसूरती तो देखने वालों की नज़रों में होती है। तो आप सब खूबसूरत हो, आप सबकी नज़रें खूबसूरत, इसलिए मैं आपको अच्छा लगता हूँ, बाकी तो ठीक है सब कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो बस सब लोग जुड़ जाना मेरे साथ, और फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। लाइक थोड़ा ज़्यादा कर दिए करो, है ना, क्योंकि मेरे भी ज़रूरी भी है कि नहीं, नहीं तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बहुत कम लाइक रहता है, ये सब चीज़ें हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।